करीब 12,000 वोटों के अंतर से बीजेपी हिमाचल में चुनाव हार गई और कांग्रेस को सत्ता मिल गई। लेकिन इतना हो जाने से कांग्रेस की मुश्किलें कम नहीं होती दिख रही, क्योंकि प्रतिभा सिंह की दावेदारी को किनारे लगाकर जिस सुखविंदर सिंह सुक्खू को सत्ता सौंपी गई है, उनकी एकमात्र उपलब्धि यही है, उन्होंने प्रियंका वाड्रा को शिमला के करीब समर रिट्रीट बनाने में मदद की थी और इसी वजह से हिमाचल की गद्दी सुक्खू के हाथ लग गई और प्रतिभा सिंह हाथ मलती रह गई। लेकिन इतने से हिमाचल की कहानी खत्म नहीं हुई। सूत्रों का कहना है कि कांग्रेस के कुछ लोगों ने पहले ही पाला बदलने के लिए भाजपा को प्रस्ताव दिया है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी ऐसा नहीं करना चाहते हैं। पीएम मोदी ने ये महसूस किया, वर्तमान समय में गंदा टॉपलिंग अभ्यास केवल उनके शानदार गुजरात जीत के प्रभाव को कम करेगा, इसलिए इस पूरे मामले को फिलहाल टाल दिया गया है। इसके पहले हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने प्रतिभा सिंह से मुलाकात की, जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की गई थीं। तब भी इसी बात को लेकर हंगामा मचा था। तब प्रतिभा सिंह ने इसे शिष्टाचार भेंट बताया था। हिमाचल में मिली कांग्रेस की जीत का श्रेय भी अब प्रियंका वाड्रा को दिया जाने लगा है। हालांकि सचिन पायलट ने हिमाचल में जोरदार प्रचार अभियान चलाया था, भले ही प्रियंका गांधी ने राज्य में सीमित रैलियां की, लेकिन वह निश्चित रूप से राज्य में कांग्रेस सरकार को सुचारू रूप से स्थापित करने के लिए जिम्मेदार हैं। प्रियंका गांधी वाड्रा धीरे धीरे अपनी टीम बना रही हैं, जिसके सदस्यों में भूपेश बघेल शामिल हैं, जो पार्टी के हिमाचल प्रदेश में सोशल मीडिया अभियान के प्रभारी थे। प्रियंका की टीम में राजीव शुक्ला, भूपेंद्र हुड्डा और सचिन पायलट भी शामिल हैं, जिन्होंने हिमाचल प्रदेश में बड़े पैमाने पर प्रचार किया, जबकि उनके प्रतिद्वंदी अशोक गहलोत ने गुजरात चुनाव पर ध्यान केंद्रित किया। संयोग से सुखविंदर सिंह सुक्खू को दो अन्य दावेदारों के मुकाबले मुख्यमंत्री चुने जाने का एक संभावित कारण भी यही है कि उनका वाड्रा परिवार के साथ पुराना संबंध है। दरअसल सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शिमला के पास मशोबरा में प्रियंका गांधी के समर रिट्रीट के निर्माण के लिए आवश्यक औपचारिकताओं में उनकी सहायता की थी। हिमाचल में कांग्रेस को 40 सीटों पर जीत हासिल हुई है, वहीं बीजेपी को 25 सीटों पर जीत हासिल हुई है, जबकि 3 सीटें निर्दलियों के खाते में गई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया।